बालों को काला करना चाहते हैं, बालों को झड़ने से बचाना चाहते हैं दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आई हूँ जिसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से बालों की जड़ें मजबूत होंगी, जड़ों को पोषण मिलेगा जिससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। बनाना आसान, लगाना आसान। यदि आप भी किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं दोस्तों, तो आज आपकी तलाश पूरी होती है। सबसे पहले इस आसान सी रेमेडी में यहाँ पर मैंने लिया है आंवला। आंवला, आंवले को हमें खाना भी चाहिए, आंवले को बालों पर लगाना भी चाहिए। आंवला एक ऐसी चमत्कारिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल पुराने समय से ही किया आता जा रहा है। विटामिन सी से भरपूर होता है। बालों को काला घना लंबा करने के लिए हम लोग आंवले का इस्तेमाल करते हैं। एक आंवला डेली खाएं। आंवला खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे स्किन पर, हमारे बालों पर, हमारे स्वास्थ्य पर, साथ ही साथ लगाने से बहुत फ़र्क पड़ता है अगर बालों पर लगाते हैं तो। किसी तरह का आंवले में कोई केमिकल, कोई खुशबू, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो बालों को नुकसान करे। आंवला हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारे सिर की खुजली को दूर करता है आंवला, हमारे सिर की गंदगी को बाहर निकालता है आंवला। तो यहाँ पर दो बड़े चम्मच आंवला लेना है। अगर आंवले को हम लोग ड्राई रोस्ट करके लें तो और फ़ायदा होता है, हमारा हेयर डाई और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो दो चम्मच आंवला लिया है। 1/4 teaspoon हल्दी लेना है। अब सोचेंगे अरे हल्दी पीला करेगी, जी नहीं, यहाँ पर हल्दी को हम लोग ब्लैक टर्मरिक के रूप में तैयार करने वाले हैं। आजकल तो बाज़ार में भी काली हल्दी, ब्लैक टर्मरिक बहुत आसानी से मिलने लगी है। दोनों चीज़ों को आपको ड्राई रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए, लोहे की कढ़ाई रख दीजिए यहाँ पर। वैसे भी लोहे के बर्तन में बालों से रिलेटेड आप कोई भी रेमेडी बनाएं बहुत फ़ायदेमंद रहती है, मतलब आयरन के तत्व भी, आयरन की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है हमारी इस रेमेडी में। विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है आंवला, ड्राई रोस्ट करिए। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं हमारे स्कैल्प में, हमारे सिर की त्वचा में। यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को भी दूर करती है हल्दी और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है संक्रमण को दूर करके। गैस की फ्लेम स्लो है, लगातार चलाते हुए इसे कम से कम 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भून लेना है ताकि इसका कलर बदल जाए। आप देख सकते हैं रंग बदलने लगा है आंवले का और हल्दी का। आप चाहें ना तो दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके एक डिब्बी में रख लीजिए। आपको जब भी टाइम मिलता है, बालों में तेल लगाते हैं ना, तो एक चम्मच ये ले लीजिए, इस पाउडर को ले लीजिए आंवले और हल्दी के। कोई भी तेल लगाएं आप लोग, नारियल तेल लगाएं, सरसों तेल लगाएं, उसमें इस पाउडर को मिलाएं और फिर तेल लगाएं। वैसे भी हमें सप्ताह में 2 बार, वीक में 2 बार अच्छी तरह से ऑयलिंग करना चाहिए। आजकल के लोग तेल नहीं लगाते, इसीलिए तो बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, जबकि हमें सप्ताह में 2 बार अच्छी तरह से मसाज करते हुए ऑयलिंग करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, ताकि हमारे स्कैल्प से ड्राइनेस की समस्या दूर हो सके। तेल लगाना पसंद नहीं करते हैं तो चाहे तो आंवले के इस पाउडर में, ड्राई रोज पाउडर में एलोवेरा मिलाकर लगा सकते हैं आप। कई तरीके हैं लगाने के, आप किसी भी तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, ज़रूर लगाएं। एक नेचुरल हेयर डाई है जो कि आपके बालों को काला घना बनाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने एलोवेरा डाला है। आज मैंने यहाँ बाज़ार वाले जेल का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर मैं घर पर ही पत्तियों से, जो एलोवेरा का पौधा है ना मेरे यहाँ, बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा, उन्हीं पत्तियों से जेल को निकालती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ। परंतु कई बार दोस्तों तेल के साथ कर लेती हूँ, तेल के साथ भी कर सकते हैं। अगर एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल को मिलाइए और इस पाउडर को मिला लीजिए एलोवेरा जेल में और इस डाई को पूरी जड़ों पर लगाइए। कम से कम आधे घंटे आपको इसे लगा कर रखना है। आधे घंटे के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। कोशिश करें प्लेन वाटर से हेयर वॉश करें। वैसे भी आंवला हमारे स्कैल्प में छुपी हुई गंदगी को बाहर निकालता है, रूसी की समस्या को दूर करता है और हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। अगला तरीका है, एलोवेरा जेल नहीं है, आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, आप नारियल का तेल लगाते हैं, आप तिल्ली का तेल लगाते हैं डाल सकते हैं, आप अगर ऑलिव ऑयल लगाते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें 2 चम्मच तेल डाल लीजिए और इस हेयर डाई को पूरी जड़ों पर लगाएं। खुद सोचिए वाकई में कितनी पावरफुल रेमेडी है। रिजल्ट तो मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। सभी उम्र वाले इसे लगा सकते हैं, जो बालों के झड़ने से परेशान हैं जो लोग, वे भी लगाएं। जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं वे भी इसे लगाएं। सारे नेचुरल चीज़ों का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छे से
सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, बस जड़ों पर लगाइए, लंबाई पर भी बच्चा है आप लगा सकते हैं, और आधे घंटे के बाद हेयर वॉश करें। केमिकल वाले हेयर डाई से हमें बचकर रहना चाहिए, केमिकल वाली चीज़ें ही तो बालों को ख़राब कर रही हैं। पहले हमने खुद ने अपनी दादी नानी को देखा है, एक उम्र होने पर ही बाल सफ़ेद हुआ करते थे और आजकल 25-30 साल की उम्र में सफ़ेद बाल दिखने लगे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, आंवला खाना स्टार्ट करें, रोज़ एक आंवला खाएं, कढ़ी पत्ता, मीठे नीम की पत्तियां जिसे हम लोग करी लीव्स कहते हैं 4 से 5 पत्तियां खाएं, फ्लैक्स सीड खाइए, ऐसे अपने खाने का ध्यान रखिए, विटामिन सी युक्त फल खाइए आप, जो भी आपके पास हो, जो भी अवेलेबल है, अच्छी डाइट लीजिए, सैलेड खाइए, बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे खाने से भी हमारे बालों पर, हमारे स्किन पर। तो देखिए मैं खुद लगा रही हूँ, आज इतनी उम्र होने पर भी दोस्तों मेरे केवल कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हैं, मेरे ज़्यादा सफ़ेद नहीं हैं, थोड़े से ही सफ़ेद हैं, पूरी जड़ों पर लगा लीजिए। तो मेरे परिवार को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं, आप अपना नाम लिखें और जगह का नाम लिखें, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं मेरा वीडियो देखने के लिए, और आपका नाम अनाउंस कर सकूं कि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और टिप्स थिएटर चैनल पर यदि पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने खुद ने इसे अपने बालों पर लगाया ना, तो मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, मेरे बालों का सफ़ेद होना काफ़ी हद तक के रुक गया है। तो ट्राई ज़रूर।